डिजास्टर मैनेजमेंट की इस मीटिंग में सभी का स्वागत है। सभी विभागीय प्रतिनिधियों को मैं समझता हूँ ये जो प्रेजेंटेशन बनाया है उसकी बहुत ही तकसीम करनी होगी, सबको बांट दिया उसमें विभाग को क्या क्या कार्रवाई करना अपेक्षित है उसका विशद विवरण दिया गया है। मनुष्य कृत एक तो डिजास्टर होती है जो हम नेचर के साथ छेड़छाड़ करते हैं, दूसरी प्राकृतिक डिजास्टर होती है। तो मोटे तौर से डिजास्टर मैनेजमेंट के संदर्भ में हर साल हम एक यांत्रिक रूप से मीटिंग आयोजित करते हैं कि अगर वहाँ तेज बारिश हो तो शहर में कुछ जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, उसको हम कैसे अपनी हिम्मतमंदी से अपने अर्पण से बचा सकते हैं। तो उसमें विभागीय भूमिका में मुख्यतः दो तीन विभाग जे डी ए, नगर निगम, सिविल डिफेंस, कलेक्ट्रेट और पी एच डी, इनका सभी का योगदान थोड़ा थोड़ा है। पुलिस का भी है, बिजली विभाग का भी है, उनकी छोटी छोटी आंशिक अपनी कंट्रीब्यूशन है, रसद विभाग का भी है। तो उनसे इतर अगर हम ये देखें तो जैसे हमें जब भी इस तरह की कृत्रिम या नेचुरल डिजास्टर के बारे में जब सोचते हैं तो हमारे दिमाग में 1981 का खाका उभर के आता है। 1981 में जो लोग उसके साक्षी रहे होंगे उस भयावह दृश्य के, उन्होंने देखा होगा व्यापक रूप से जनहानि तो नहीं हुई लेकिन शहर में काफी दो तीन दिन लगातार बारिश होने से शहर का स्ट्रक्चर बहुत भारी तरह से गिर गया, जनजीवन बड़ा अस्त व्यस्त हुआ। तत्पश्चात कोई बहुत तेज बारिश मैंने देखी नहीं, मैं लगातार इस शहर में 1976 से हूँ, 81 में जब अच्छी बाढ़ सी आई थी, इसके अलावा कोई बहुत। अब उसमें जो अमानी साल नाला बना वो गणपति नदी, उस समय की देन है, ये भारे स्ट्रक्चर्स हैं ये इस तरह का। तो उस समय अगर ऐसे तेज बारिश हो जाए, हालांकि मानसून की जो प्रिडिक्शन है वो साधारण मानसून की है, बहुत तेज बारिश की है नहीं, लेकिन साधारण मानसून की जो बारिश की जो भविष्यवाणी है उसको बहुत ग्रेडेड ढंग से सारे एसडीओ साहिबान को भी पढ़ना चाहिए, सारे अधिकारियों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि तो स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन है रेन का। अगर ये तो ठीक है कि मानसून 100 के स्केल पे 96 या 97 फीसदी रहने की संभावना 102 फीसदी से ऊपर नहीं जाएगा, एवरेज 543 mm बारिश राजस्थान में होती है, उसके हिसाब से अगर स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो बहुत ज़्यादा कोई आर्पण की जरूरत नहीं पड़ेगी और सीजन ठीक से निकल जाएगा। लेकिन स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन आजकल जो रेन का पैटर्न है वो आप लोगों ने एनालाइज किया होगा, विश्लेषित करें तो हम ये देखते हैं कि कई बार ऐसा होगा कि बहुत तेज बारिश एक ही जगह पर अचानक बहुत ज़्यादा गिर जाती है। जैसे बॉम्बे में भी इस तरह का ट्रोमा हुआ था, जयपुर शहर में भी मेरा ये अनुभव है कि बहुत थोड़ी देर तक भी थोड़ी सी भी तेज बारिश 15-20 मिनट भी हो जाए तो जनजीवन लगभग 3-4 घंटे अस्त व्यस्त हो जाता है, सामान्य होने में 3-4 घंटे का समय लगता है। अगर मान लीजिए तेज बारिश है तो काफी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, तो हमको ये मान के चलना चाहिए मौसम सामान्य मानसून की प्रिडिक्शन होते हुए भी ऐसा मानसून सीजन में एक आध दिन हो सकता है, एक से अधिक दिन भी हो सकते हैं कि जब 1-2 घंटे लगातार मूसलाधार बारिश हो जाए, उसके चलते आपको क्या क्या अपेक्षाएं विभाग से अपेक्षित है वो उसको हमने थोड़ा बहुत फॉर्मुलेट करके आपको सर्कुलेट कर दिया है, लेकिन इनको आउटर लिमिट में समझा जाना चाहिए। एक तो ये व्यवस्थाएं आवश्यक रूप से सुनिश्चित होनी चाहिए और मनोवेग से करनी चाहिए, पूरे मनोवेग से इनको सुनिश्चित करना चाहिए। एसडीओ साहिबान को हमने इस मीटिंग में इसलिए तकलीफ दी है कि जिस तरह का नियंत्रण कक्ष यहाँ बनता है, दुकान का ब्लॉक चलता है, अंतर विभागीय समन्वय जो यहाँ स्थापित किया जाता है, आप अपने अपने उपखंड में भी ये सारी व्यवस्थाएं सामान्य प्रशासन के आपका मुखिया है तो आप सुनिश्चित करें। इसलिए वहाँ पे कंट्रोल रूम हो, सब विभागों के जो आप समझते हैं जो आपको नोट दिया हुआ है उसके हिसाब से, चाहे मेडिकल की हो, चाहे बिजली विभाग की हो, विभाग की हो,
शिक्षा विभागियों के रेस्क्यू सेंटर भी आपके पास होने चाहिए, आपके पास राहत सामग्री भी होनी चाहिए, आपके पास इंतजाम इस बात का भी होना चाहिए कि अगर मान लीजिए तेज बृष्टि होगी, टापू बन गया तो आप उनको भोजन सप्लाई कैसे करेंगे, रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें कैसे जिला सदर अधिकारी से सुनिश्चित करेंगे। जरूरी नहीं कि आप उसके आशंका के चलते रोटियां बना के रखें, लेकिन आपके पास व्यवस्थापन होना चाहिए कि लोग जनजीवन रूप से अस्त नहीं हो और आवागमन जल्दी से जल्दी रेस्टोर हो, कम्युनिकेशन के संसाधन रेस्टोर हो, सड़क अगर टूट गई तो PWD जल्दी से जल्दी उसको रिपेयर कर सके। अब संभव है आप पॉपुलेशन जो लोअर लाइंग एरिया की सूची इसमें दे रखी है, शहर की दे रखी है, शायद जिलों की दे रखी, जिले भर की नहीं दे रखी आपने, कुछ शहर शहर की दे रखी है। अब इसी तरह एक्सपीरियंस को भी अपने जो कल्पनात्मक सृजनात्मक क्षमताएं जो उनमें है उसके चलते वो अपने साथी सहयोगी अधिकारियों से वार्ता करके आपके क्षेत्र में कोई ऐसे खराब क्षेत्र हो उनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पे जो न्यूनतम वांछनीय आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए भी आप इन सब लोगों को देखना चाहिए। पुलिस थाने या पुलिस की भूमिका भी इसमें बताई गई है कि जैसे आर्मी और NDRF और SDRF इसकी तो अगर जरूरत पड़ती तो तुरंत संचार माध्यम से जैसे भी संपर्क स्थापित करें उनसे या इकबाल जी से या पुरुषोत्तम जी या कनिष्ठ जी से, तो जिला प्रशासन के DHP पे सीधे उनके भी आपके पास नंबर दस्तियाब होने चाहिए ताकि आप भी सीधे भी बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप संवाद और समन्वय कायम करें। अगर जरूरत पड़े तो उनकी भी आवश्यकता पड़ेगी, वो भी आपको उपलब्ध है इसमें दीर्घ का प्रेजेंटेशन में दो यूनिट 6 बटालियन की आर्मी की एक ब्रिगेडियर और दो यूनिट जयपुर के एरिया की जिम्मेदारी हमारे पास है, NDRF की 6 बटालियन की और गांधीनगर की एक टुकड़ी नारेली अजमेर में तैनात है, SDRF की 150 जवान नए संसाधनों के उपलब्ध रहते हैं। तो जहाँ आवश्यकता हो वहाँ इस बाहरी जो विशेषज्ञ साधन है जो तो हमारे पास ये क्षमता है, हमारे क्षमता विकास किया गया है, इसका भी उपयोग करें और अपने जो विभागीय संसाधन है उनका इष्टतम संयोजन करें, उसका ऑप्टिमल इस्तेमाल करते हुए ये देख लें कि क्या क्या चीजें आपके पास है, क्या क्या आपके पास लॉजिस्टिक नहीं है, कैसे कैसे आप उनका संयोजन करेंगे। PHD है तो चूंकि वर्षा जनित बीमारियां अधिक होती है, PHD सुनिश्चित करना चाहिए, क्लोरिन वगैरह रोटेशन और वाटर करते हैं तो गतिविधियां संपादित करनी चाहिए वर्षा को। नगर निगम में जैसे कि अभी आवाजी बकाया भी होने का कि हमने नाले की सफाई करा ली है, आपने बताया जगदीश जी ने कि हम उनकी वीडियोग्राफी कराते, ये सारी चीजें जो पहले होनी चाहिए उनको ठीक से अगर हम संयोजन कर लेते हैं तो कोई आशंका होने की संभावना बहुत कम रहता है। नेचर है, नेचर के बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता और नेचर की जो क्लैरिटी आती है डिजास्टर जो उससे आता है, तो आपने देखा होगा कि उत्तराखंड की राजनीति की हमारे पास बहुत ग्लेरिंग एग्जाम्पल है, अगर उसमें सबसे सर्वाधिक अगर किसी का दोषारोपण अगर किसी पे होता तो प्रशासन पे होता, और प्रशासन ये ना सब्जेक्ट मैं ही हूँ, प्रशासन आप सब हम मिल के प्रशासन है, प्रशासन का मतलब जिला कलेक्टर नहीं होता, जिला कलेक्ट्रेट का प्रशासन में उसमें आप उसके सब अविभाज्य हिस्से हैं आप, और इसलिए जो आपको दायित्व जो इंगित किए गए हैं ये एग्जॉस्टिव नहीं है लिस्ट, इस लिस्ट को आप ये भी समझे कि एग्जॉस्टिव है, ये सारी पर्याप्त है, आपका जो उपकल्पना है आपका जो सोच है उसके हिसाब से आप जो बहुत सीमित संसाधनों में या जो संसाधन उपलब्ध है उनका इष्टतम उपयोग करके आप ऐसा संयोजन करें चीजों का कि ये जो आशंका जो आगे आने वाले मौसम के चलते या सीजन के चलते है उसको निर्मूल साबित हो और हम अच्छे से करें, और हम ये चाहें खूब बारिश बरसे, हम ये नहीं चाहें कि भाई बारिश नहीं बरसे कोई फायदा नहीं है, बारिश खूब आनी चाहिए और हमको अवसर भी मिलना चाहिए, क्राइसिस मैनेजमेंट का इससे कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, लेकिन मीटिंग हम पहले इसलिए रखते हैं कि जो कंट्रोल रूम बनने हैं वो कंट्रोल रूम बन जाए, उनकी व्यवस्थापन हो जाए, लोग संज्ञान उनकी जानकारी आ जाए, और मीटिंग में ये भी अपन डिस्कस कर लेते हैं कि इन विभागों की ये कार्य रहेंगे, उनको दे
देख लें, टच कर लें, आप अपने उच्च अधिकारी को OIC को उसको रेस्पॉन्सिबल करते हैं। तो ये सारी चीजें करने के लिए आपको आउट किया गया। SPO अपना सब इकाई अपने अपने सब डिविजन में, यहाँ जो ट्रांसफायर हुआ है, यहाँ हुआ है, उसको अपने सब डिविजन में करना और करवाना सुनिश्चित करें, ये इसका मकसद है। अभी लू के चलते हमने कुछ एक आपके हेल्थ एंड मेडिकल में कौन देखता है, क्योंकि इसके नोडल तो आपके कोई मैडम